नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी आज आप लोगों को अनंत चतुर्दशी के बारे में बताना चाहता हूँ। भाद्रपद भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में खोई हुई मान प्रतिष्ठा, खोई हुई धन संपदा प्राप्त तो करता ही है, साथ ही जो उसके पास है वह कभी जाता नहीं है। एक बार की बात है कि पांडव जब अपना पूरा राजपाट, सारा वैभव जुए में हार चुके थे और जंगलों में दर दर भटक रहे थे, उस समय भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने के लिए कहा था। उस समय पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ अनंत चतुर्दशी का व्रत किया था और अनंत चतुर्दशी का व्रत करने के बाद अनंत सूत्र को उन्होंने सभी भाइयों और द्रौपदी के हाथों में बांधा था। उसके बाद उन्हें उनका राजपाट, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ वापस मिल गया था। इसे आप भी कर सकते हैं। व्रत करने का विधान यह है, व्रत का संकल्प करने वाला व्यक्ति अनंत चतुर्दशी के दिन स्नान ध्यान करके व्रत का संकल्प ले। वैसे तो इस व्रत को नदी के किनारे या किसी पवित्र तीर्थ स्थल की जगह पे करने के लिए कहा गया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कहीं भी, यहाँ तक कि अपने घर के पूजा स्थल में भी इस व्रत का संकल्प लेकर के पूरा कर सकता है। व्रत लेने के बाद व्यक्ति को चाहिए कि पूजा स्थल पर एक कलश स्थापित करें, अनंत सूत्र जिसमें 14 गांठें होती हैं वह रखकर षोडशोपचार पूजन से विधि विधान से उसकी पूजा करें। पति पत्नी दोनों कर सकते हैं, पुरुष अकेला भी कर सकता है, स्त्री अकेली भी कर सकती है, कोई भी किसी के लिए अपने लिए इस व्रत को कर सकता है। खोई हुई मान प्रतिष्ठा पाने के लिए, धन वैभव पाने के लिए, अपने संसार को सुखी रखने के लिए इस व्रत को किया जाता है। षोडशोपचार पूजन के बाद वह सूत्र जिसे अनंत सूत्र के नाम से जाना जाता है, वह सूत्र पुरुष अपने दाहिने हाथ में एवं स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधे और इसका फल तत्काल मिलना शुरू हो सकता है, हो जाता है और व्यक्ति सुखी होने लगता है। इस अनंत चतुर्दशी के व्रत को अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।